हे गाइस, वेलकम बैक। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग मॉन्स्टर फिशेस, जो आपको इजीली हर जगह मिलेगा। प्लस इनमें से बहुत सारा फिशेस मैं ऑलरेडी रख चुका हूँ, तो आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस। गाइस, मॉन्स्टर फिश कीपिंग में ग्रोथ रेट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप बोलोगे, भाई मैं ऑस्कर के साथ एलिगेटर का रख सकता हूँ? डेफिनेटली आप रख सकते हो, बट द क्वेश्चन इज कितना दिन तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, पूरा एंड तक देखना। नंबर 1, द अरापाइमा। गाइस, मॉन्स्टर फिश में अरापाइमा इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मॉन्स्टर फिश है। ये इजीली एक साल में 2-2.5 फीट तक चल जाता है। मैं 2 अरापाइमा रख चुका हूँ। मेरा पहला वाला जो मर गया था वो ऑलमोस्ट 5 फीट का हो गया था, एंड अभी सेकेंड वाला जो है वो 3.5 फीट प्लस है। तो इसका बारे में कुछ बताता हूँ, ये क्या फिश है, मतलब इतना क्यों खौफनाक है ये। इसका जो ग्रोथ रेट है बहुत फास्ट है। इनिशियली आप इसको रेजिंग के लिए 3-4 फीट में रख सकते हो, बट हार्डली 2-3 महीना रहेगा उसमें। ट्रस्ट कीजिए, वो बहुत फास्ट बढ़ता है। हैवी ईटर है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा खाया हो गया लाइक अरवाना। हैवी ईटर है, बहुत खा लेता है, हद से ज़्यादा खा लेता है, बट कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, ईजिली डाइजेस्ट कर लेता है। एंड इसका जो फेस और जो टेल का पार्ट रहता है बहुत स्ट्रांग रहता है। अगर कोई भी छोटा फिश को अगर एक बार नॉक कर दिया तो बस कहानी ख़त्म उसका। मैं एक बार एक्सपीरियंस किया था, जब इसको ट्रांसफ़र कर रहा था, इसका फेस का पार्ट मेरा पैर पे आके लगा था, तो 2-3 दिन तक पूरा दर्द था पैर में। लाइक छोटा था उस टाइम, बड़ा होता तो शायद हड्डी भी तोड़ सकता था वो। एंड गाइस, अरापाइमा का एक डेडिकेटेड केयर वीडियो ऑलरेडी मेरा चैनल पे है। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ये तो बस टॉप लिस्टेड वीडियो है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा। मैं जितना भी फिश का भी नाम बताऊंगा, सबका मैं ऑलमोस्ट केयर वीडियो बना चुका हूँ। एंड गाइस, आप लोग कमेंट कीजिए आप में से किस किस के पास अरापाइमा है। एंड गाइस, अरापाइमा का मैक्सिमम साइज आई गेस 7-8 फीट तक चल जाता है अभी का टाइम में, पहले तो और बड़ा होता था। आप लोग कितना बड़ा हाइएस्ट देखे आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए। नंबर 2, एलिगेटर गार। ये तो भाई और ख़तरनाक है पहला वाला से। डायनासोर का एज से है, प्री हिस्टोरिकल फिश है गाइस। आप नेट पे देख लो, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। एंड इसका भी एक प्रॉपर केयर वीडियो मैं बना चुका हूँ। प्लस इसका टाइप्स भी है, एक स्मॉल वेराइटी का आता है, उसको फ्लोइडा गार या लॉन्ग नोज गार बोलता है, और भी नाम है उसका। और एक आता है शॉर्ट नोज एलिगेटर गार। प्लैटिनम गार और एलिगेटर गार सेम है, बस कलर अलग है गाइस। दोनों काफ़ी बड़ा होता है, फास्ट ग्रो करता है। मैं बहुत लोग को देखा हूँ, एकदम जाता है पेट शॉप में, अरे कितना क्यूट है देख, छोटा सा गप्पी खा लिया, चलिए इसको ले जाते। एंड आफ्टर 1 ईयर बूम, अरे भाई ये क्या चीज़ है, सारा फिश मेरा गायब टैंक में, सब खा लिया इसने। यस, ऐसा हुआ भी है, मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ। मुझे उस टाइम उतना नॉलेज नहीं था, मैं कुछ भी डाल दिया था उस टाइम, कम्युनिटी कर रहा था, रोज एक एक करके फिश गायब होने लगा मेरा पॉन्ड में। मैं सोच रहा था भाई कहाँ जा रहा है फिश, फिर सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ था ये, भाई रात को एक एक करके जो भी फिश रहता था पकड़ के खा जाता था। और भाई ऑब्वियसली आप इसका दांत देखिए, कोई भी फिश का ऐसा दांत है देखिए आप, है दूसरा फिश का भी दांत है, बट एलिगेटर का स्ट्रेंथ ख़तरनाक स्ट्रेंथ है गाइस इसका। प्लस इसका कुछ अच्छा पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ना कुछ फिल्टर चाहिए, ना ऑक्सीजन चाहिए, ना ठंड में इसको हीटर चाहिए। अनलाइक अरापाइमा, इसको बहुत क्रैक करना पड़ता है, ये गंदा से गंदा पानी पे भी रह लेगा। मैं खुद एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ गाइस। एलिगेटर अगर बोलेगा कि बेस्ट फिश क्या है इंडियन क्लाइमेट के लिए, मॉन्स्टर फिश जो काफ़ी बड़ा होता है, अच्छा भी है, तो मेरा लिस्ट में हमेशा एलिगेटर गार रहेगा। सेकेंड में मैं अरापाइमा को रखूँगा, क्योंकि अरापाइमा को ठंड में हीटर वगैरह पानी क्लियर रखना पड़ता है, नहीं तो उसका आई ब्लाइंड हो जाएगा, बहुत कुछ है। इसका कुछ टेंशन नहीं, लिविंग लेजेंड। एंड ये इजीली गाइस 1-2 साल में 2-2.5 फीट 3 फीट तक चल जाता है आराम से, प्रॉपर अगर फूड और केयर मिलता है, पूरा स्पेस अगर मिलता है तो। अगर आपको प्रॉपर केयर वीडियो इसका चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 3, सिल्वर अरवाना। अब भाई आप मुझे बोलोगे एशियन अरवाना भी तो बहुत बड़ा होता है, उसको क्यों नहीं बोल रहे हो? तो ठीक है, एशियन अरवाना भी बड़ा होता है, बट सिल्वर जैसा बड़ा नहीं होता है।
एक और अरवाना का ब्रीड है, वो थोड़ा अनकॉमन टाइप का है, बहुत कम लोगों ने रखा है उसको। उसको शायद मैं पार्ट टू में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, बट फिर भी मैं आज बता देता हूँ इस वीडियो में। अफ्रीकन अरवाना, यस, वो थोड़ा यूनिक टाइप का है, थोड़ा एरापायमा का साथ मिक्स से लगता है देखने में, वो भी काफ़ी बड़ा होता है। उसको मैं सेकेंड पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। इवन मैं लाया भी था बट खुद रखा नहीं, हूँ सेल कर दिया था। तो आज सिल्वर के बारे में बताता हूँ। तो सिल्वर का दो वेराइटी आता है, एक एल्बिनो सिल्वर और एक नॉर्मल सिल्वर। एक प्लैटिनम भी है शायद, कुछ मैं देखा नहीं हूँ, बहुत रेयर वेराइटी है। तो मोस्टली ये तीन वेराइटी है सिल्वर का। ये इनिशियली आपको मिल जाएगा, बहुत छोटा साइज में आता है, 3.5-4.5 इंच से सेल होना स्टार्ट हो जाता है मार्केट में, एंड काफ़ी बड़ा होता है गैस। ये भी आप एक छोटा सा शॉट देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कम से कम 4 फीट का तो होगा ही भाई, ये देख के लग रहा है। तो जिन लोगों का शौक है, भाई मेरे पास 3 फीट का टैंक है, क्या मैं सिल्वर अरवाना लाइफ टाइम रख सकता हूँ? आंसर इज़ बिग नो। ठीक है, सिल्वर अरवाना को अगर हैप्पीली रखना है, मिनिमम 5 से 6 फीट लेंथ होना चाहिए, चौड़ा कम से कम 2.5 से 3 फीट होगा तो बेटर रहेगा, हाइट भी 2 फीट का ऊपर रहेगा तो एक अरवाना आराम से रह लेगा। बहुत टाइम अरवाना एक दूसरे का साथ भी नहीं लेता है, लड़ाई करता है, ये उनका नेचर रहता है। एंड सिल्वर अरवाना का प्रॉपर केयर वीडियो मेरा चैनल पर ऑलरेडी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने बहुत सारे सिल्वर अरवाना रेस किया है, बड़ा किया है, कुछ को मैंने सेल भी कर दिया है। ठीक है, तो यूनिक फिश है, ठीक है, ड्रैगन फिश है, ठीक है, बट प्रॉब्लम है भाई, सिल्वर अरवाना बहुत प्रॉब्लम है, कुछ भी करते रहता है, अचानक से इधर से उधर कूद जाएगा। ठीक है, दूसरा फिश छोटा रहेगा उसको खा लेगा, बहुत टाइम खाना नहीं खाता, 1-2 हफ्ता, 1 महीना 3 महीना खाना बंद हो जाता है, एग्स दे देता है कभी कभार टैंक में। तो ये सारा पॉइंट्स आप वो मेरा लॉन्ग वीडियो देखोगे, मैं उसमें एक्सप्लेन किया हूँ अच्छे से, और भी कुछ पॉइंट उसमें है, सब इसमें डालूगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा गैस। ठीक है, अच्छा फिश है, नो डाउट, बट आपको अच्छा से केयर करना होगा, स्पेस देना होगा, पानी अच्छा रखना होगा, विंटर में हीटर मस्ट देना ही पड़ेगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लीड, अच्छा लीड देना होगा प्रॉपर, ऐसा नहीं कुछ भी जाली वाली लगा दिए, बहुत खतरनाक जम करता है ये। आप सोने गए, रात को कूद के बाहर निकल गया, सुबह उठ के देखे मेरा फिश मरा हुआ है, ऐसा हुआ है बहुत लोग के साथ। तो किस किस के पास सिल्वर अरवाना है आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। नंबर 4, परुन शार्क। अब शार्क सोच के आप लोग का दिमाग में आ रहा होगा, अरे जो नॉर्मल शार्क एक्वेरियम सब में मिलता है, वाइट कलर का, ब्लैक कलर का, 40-50 रुपया पेयर वाला, नहीं भाई, ये अलग शार्क है। मैं अभी भी लोगों का, अभी भी आप लोग का कन्फ्यूज़न है भाई, परुन शार्क इतना दिन से मार्केट में है, मैं रख रहा हूँ, बहुत लोग रख रहा है, अभी भी रोज़ मुझे कोई ना कोई बोलता है, भाई आप देखो तो क्या ये परुन शार्क है या नॉर्मल शार्क है। तो शार्क का वीडियो ऑलरेडी मेरा चैनल पे है, टाइप्स ऑफ शार्क, परुन शार्क का केयर वीडियो भी है मेरा चैनल पे, आप एक बार प्लीज़ देख लेना, आप लोगों का बहुत डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत ही फास्ट ग्रोथ करता है गैस, ठीक है, परुन शार्क देखने में नॉर्मल शार्क जैसा लगता है शुरू में, उसका बस फिन वगैरह और फेस थोड़ा चौड़ा रहता है, एंड इसका जो टेल का साइड का ऊपर का जितना भी फिन्स रहता है पॉइंटेड किया हुआ रहता है। इसको ग्रुप में रखना बेटर है, सिंगल जो रहता है वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, दूसरा टैंक मेट्स को खा लेगा, मार देगा, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मैं 3-4 बार परुन शार्क रख चुका हूँ पर्सनली, एंड शॉप के लिए तो हमेशा आते जाते रहता है। परुन शार्क इजीली, लाइक अगर प्रॉपर फूड स्पेस मिलेगा पॉन्ड में तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है, तो 3-4 फीट तक हो ही जाता है गैस इजीली। अभी मेरे पास भी जो है वो 2.5 फीट प्लस साइज है उसका, एंड लास्ट टाइम मैं शायद अर्नब के पास देखा था, मेरा एक फ्रेंड है कलकत्ता, उसके पास 3 फीट साइज का था परुन शार्क, अभी पता नहीं है कि नहीं, तो आप गलती से ले मत लेना, मतलब अगर एक्वेरियम शॉप में मिलता है ये बोल देता, हाँ उसका पैरट चिकलेट के साथ रह लेगा, आप लेके आ जाओगे, इतना खाएगा इतना खाएगा, एक दिन अपना टैंक मेट्स को भी खा लेगा। और नॉर्मल शार्क से बहुत तेज बढ़ता है ये, ठीक है, नॉर्मल शार्क तो पैलेट्स वगैरह खाता है, इसको आपको नॉन वेज देना हो, ठीक है, नॉन वेज में बहुत सारा आइटम है, उसका भी वीडियो मेरे पास है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, नॉन वेज फूड क्या क्या है, वेज फूड में क्या क्या आएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिश है,
जब चलता है रियल शार्क टाइप का फील होता है एंड बहुत फास्ट भी है गाइस। पकड़ने जाओगे शार्क ऑलमोस्ट सब शार्क ही बहुत फास्ट रहता है। एंड गाइस इसका एक और वैरायटी है, एल्बिनो शॉर्ट बॉडी परमुट शार्क ऐसा कुछ है, तो मुझे वो पता नहीं फुल साइज कितना बड़ा होता है, इसका बराबर में तो कम ही होगा। ऑर्डिनरी जो रहता है परमुट शार्क वही सबसे बड़ा होता है। नंबर 5 रेड टेल कैटफिश, द वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल कैटफिश मुझे लगता है पर्सनली। बहुत ही क्यूट रहता है छोटा में, देखने में बहुत सुंदर रहता है, बट जब अपने टैंक को ये निगल लेता है पूरा, चबाना तो छोड़ो पूरा निगल लेता है, तब आप लोग बोलेंगे ओ तेरी ये क्या हो गया। आज भी गाइस रेड टेल कैटफिश का डिमांड सबसे ज़्यादा है कैटफिश वैरायटी में। आप देख लो कहीं पर भी कोई भी पेट शॉप एक्वेरियम शॉप में आपको रेड टेल कैटफिश ईजिली मिलेगा। ये हाईएस्ट सेलिंग कैटफिश वैरायटी में आता है, प्लस इसका जो कलर पैटर्न है बहुत ही अच्छा है। दूसरा भी कैटफिश है उसका भी, उनको भी अच्छा रहता है, बट इसका एकदम मैच करता है रेड एंड वाइट में, टेल रेड रहेगा, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग को रेड टेल कैटफिश कैसा लगता है। रेड टेल कैटफिश बहुत फास्ट ग्रो करता है, हैंड फीडिंग भी कर लेगा अगर आप सही से इसको खिलाओगे। बहुत फ्रेंडली है, हमेशा एक्टिव रहेगा, घूमते रहेगा टैंक पे। एंड इसका भी सेम सीन है गैस, आप अगर सोचते हो 2 फीट 3 फीट का टैंक में परमानेंट रह लेगा, नॉट पॉसिबल, इसको भी बड़ा टैंक चाहिए। एंड इसका भी डेडिकेटेड केयर वीडियो मेरे चैनल पे है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एंड गैस इसका ठंडा में आपको थोड़ा हीटेड पॉन्ड देना होगा, बहुत टाइम इसका स्किन इन्फेक्शन हो जाता है विंटर में, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, तो विंटर में इसका केयर थोड़ा मुश्किल है। छोटा में आपको कुछ ज़्यादा ही केयर करना होगा, बड़ा में उतना टेंशन नहीं है, वो आराम से रह लेगा। मेरा बड़ा वाला जो एकदम पुराना जो फर्स्ट आरटीसी था, वो भी लास्ट ईयर शायद मर गया था, एक कुछ इंटरनल डिजीज़ हुआ था, आप देख सकते हैं फूड इन्फेक्शन टाइप का, नहीं तो मतलब इसको बहुत ही भाई खतरनाक मछली था ये मेरे पास था, मुझे पता है अभी भी है रेड टेल कैटफिश, तो ये सब रहेगा मेरे पास, मैं जब तक हूँ मेरा चैनल जब तक है कुछ ना कुछ मॉन्स्टर फिश रहेगा मेरे पास। एंड गाइस आप लोग कमेंट कीजिए जब आप लोग का कोई भी छोटा फिश बड़ा फिश अगर मरता है तो आपको क्या फील होता है, कितना बुरा लगता है, आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप क्या करते हो, उस फिश को फेंक देते हो या बरी करते हो, क्या करते हो। नंबर 6 टाइगर सोवलनोस कैटफिश, ये एक कंप्लीट बीस्ट है गाइस, इसका कोई तोड़ नहीं है, आरटीसी से भी स्ट्रांग फिश है ये। बहुत ही कम इसका कुछ इन्फेक्शन डिजीज़ वगैरह होता है, मैं तो जितना भी रखा हो मतलब बहुत स्ट्रांग है, बाहर से तो बहुत स्ट्रांग है। एंड इसका फेस थोड़ा नैरो टाइप का रहता है, आरटीसी का जैसे बड़ा रहता है इसका थोड़ा नैरो टाइप का रहता है। एंड इसको भी अगर आप प्रॉपर फीडिंग और वो सब दोगे जो जो रहता है नीडेड, टैंक साइज वगैरह प्रॉपर मिलेगा, तो ये कम से कम 3-4 फीट तक चल जाएगा। ये भी 2-3 फीट टैंक में नहीं रहेगा, आज नहीं तो कल बड़ा टैंक पॉन्ड करना पड़ेगा। एंड कम्युनिटी फिश के लिए बहुत अच्छा है, आरटीसी थोड़ा बदनाम है, दूसरा फिश को खा लेता है, पर टाइगर सोवलनोस का बहुत कम रिकॉर्ड है जो अपने टैंक मेट्स को खाता है, बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू आरटीसी। एंड बहुत ही यूनिक पैटर्न आ जाता है बड़ा होने पर इसका, आप देखोगे पूरा टाइगर जैसा ही नाम। एंड गाइस मेरा वाला जो था एकदम पुराना वाला टाइगर सोवलनोस, कम से कम 3 फीट तक साइज था उसका, आप देख सकते हैं ये भी मेरा मर गया था। कैसे मरा है, ये कुछ डिजीज़ नहीं हुआ था इसका, कुछ डिजीज़ नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, फिश एकदम हेल्दी था। एक एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था वो मैं किसी दिन आप लोग के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो बी केयरफुल मॉन्स्टर फिश में बहुत कुछ होता रहता है। नंबर 7 स्टिंगरे, गाइस स्टिंगरे में आजकल बहुत सारा वैराइटीज आ गया मार्केट में, पहले उतना कुछ नहीं मिलता था, तो मैं मंटीला हाइब्रिड एक स्टिंगरे रखा था, ठीक है, मोटोरो स्टिंगरे बोल के आया था बट वो कुछ और ब्रीड था। एंड मेरा पास जो था वो कम से कम, आप मेरा लाइव वीडियो में जाइए उधर लाइव का टैब में आपको मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 29 या 30 इंच का आसपास हुआ था, वो 2.5 फीट का ऊपर ही था, 3 फीट का आसपास, तो बहुत ही यूनिक फिश था बट मर गया था मेरा। लाइफ चीज़ें आज नहीं तो कल सबको जाना पड़ेगा, बहुत बुरा लगा था मुझे, बट एनी वेज
स्टिंगरे का केयर वीडियो अभी तक मेरा चैनल पे अपलोड नहीं है, यूट्यूब में होगा बहुत सारा, बट मैं जिस दिन लाऊंगा मैं उसमें बहुत सारे ऐसा ऐसा पॉइंट शेयर करूंगा जो थोड़ा आपको अलग लगेगा। ठीक है, तो बेसिक बता देता हूँ अभी के लिए। स्टिंगरे के लिए आप एक इनिशियली 2-3 फीट टैंक सफिशियंट है ग्रो करने के लिए, बट धीरे धीरे जब उसका डायमीटर बड़ा होगा, टेल बड़ा होगा, तब आपको उसको बड़ा स्पेस में देना ही पड़ेगा। एंड फीडिंग हमेशा मैं बोलूँगा श्रिम्प खिलाइए, श्रिम्प बेस्ट है, दूसरा कोई भी फिश मत दीजिए। बहुत सारा लोग गोल्ड फिश वगैरह ये सब खिला देता है तो उसमें पैरासाइट रहता है, फिश बीमार हो जाता है, फिश खाना नहीं खाता है, फिश मर जाता है। ठीक है, स्टिंगरे बहुत अच्छा कम्युनिटी फिश है, एरवाना के लिए आप रख सकते हो, और भी बहुत सारा फिश है जिसके साथ आप रख सकते हो स्टिंगरे। बट हाँ, स्टिंगरे को विंटर में आपको हीटर देना होगा, इसको थोड़ा वार्म पानी चाहिए ठंडा में। ठीक है, एंड हीटर भी आप कैसे दोगे उसका भी एक वीडियो है मेरे चैनल पे। आपको कवर लगाना होगा बॉटल, प्लास्टिक बॉटल को होल्स करके, ठीक है, DIY कवर में आप बनाया था एक वीडियो, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज भी गाइस, मतलब उसके बाद भी मैं स्टिंगरे रखने से बहुत मुझे अजीब लगता है, लाइक मरा था, इतना बड़ा किया था, बुरा लगता है। बट हाँ, शॉप के लिए मैं बहुत बार लाया हूँ, सेल किया हूँ अभी ऑर्डर बेसिस में। ठीक है, नंबर 8, पीकॉक बास। अब पीकॉक बास बोलोगे भाई पीकॉक बास क्या है, तो चिकलेट है? नहीं भाई, ये भी मॉन्स्टर फिश में आता है। ठीक है, नॉन वेज वगैरह ज़्यादा खाता है ये। एंड पीकॉक बास का बहुत सारा वैरायटी है, उसमें से सबसे ज़्यादा बड़ा होता है टेमेंसिस, वो बहुत कम आता है इंडिया में, वो अगर आपको मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा है, उसको रखिए, इजीली 3-4 फीट तक चल जाता है, वो काफ़ी बड़ा होता है, अजीब सा एकदम उसका पैटर्न आता है बॉडी पे। मैं मोनोकोलस रख चुका हूँ, काफ़ी बड़े होते हैं वो, 1.5-2 फीट तक आसपास इजीली चल जाएगा। कम्युनिटी टैंक के लिए बहुत अच्छा है, एरवाना स्टिंगरे वगैरह के साथ आराम से रह लेगा। एंड अगर आपको एरापाइमा, एलिगेटर इन लोग के साथ रखना है तो आपको टेमेंसिस वाला रखना होगा, वो उनके साथ रह लेगा। एंड अवॉइड कीजिए छोटा फिश, कुछ भी अगर गिरेगा टैंक में ये सबसे पहले जाता है, ये मैं एक चीज़ देखा हूँ, पीकॉक बाज हमेशा पहले जाके उसको अटैक करता है, पहले खा लेता है, तो फीडिंग इसका बहुत फास्ट करता है ये, एकदम एरापाइमा जैसा फट से आके एकदम खा लेगा। ये कुछ शॉर्ट्स मेरा पुराना वीडियो है, आप देख सकते हैं छोटा में ही कैसे तेज खाता था ये लोग। नंबर 9, पाकू फिश। भाई इसको तो मैं भूल ही गया था, एकदम आउट हो गया था दिमाग से। एंड पाकू फिश का बहुत सारा टाइप्स है, मेरा चैनल पे ऑलरेडी उसका वीडियो है। एक उसका टाइप है टम्बाक्यू कुछ नाम का, वो काफ़ी बड़ा होता है गाइस, 3 फीट तक चल जाता है, वो बहुत कम आता है इंडिया पे। एंड जो नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट वाला जो रहता है वो भी काफ़ी बड़ा, 2 फीट तक तो चल ही जाता है, हैवी ईटर है, बहुत फास्ट खाता है, दांत है इसका गाइस ख़तरनाक, दूसरा छोटा फिश को चबा के खा लेगा। इसका केयर वीडियो ऑलरेडी है मेरे चैनल पे। तो पाकू फिश बड़ा कम्युनिटी पॉन्ड या बड़ा टैंक में आप अगर रखते हो 6 पीस, 5 पीस, 4 पीस, बहुत अच्छा लगता है गाइस, एक्टिव फिश है, घूमते रहेगा, खाते रहेगा बिंदास। मैं रिसेंटली गया था VJP मरीन किंगडम पे, वहाँ पाकू फिश देखा था, एक एक 2-2.5 फीट का प्लस साइज था गाइस, खतरनाक ब्यूटीफुल लग रहा था देखने में, ये आप देख सकते वीडियो, तो मज़ेदार फिश है गाइस। नंबर 10, द लास्ट, जाइंट गोरामी। यस, आप इसको कैसे इग्नोर कर सकते हो? ठीक है, बदनाम है, बहुत लोग सिंगल टैंक पे ही रखते हैं इसको लाइफ टाइम, बट कम्युनिटी में भी बहुत लोग रखा है इसको, पॉन्ड वगैरह में, मिक्स में, देखा हो बहुत जगह, मैं भी रख चुका हूँ कम्युनिटी में। बड़ा स्पेस में रखोगे तो इजीली हैप्पीली रहेगा ये, मैं बहुत सारे पॉन्ड एंड पब्लिक एक्वेरियम में देखा हो, जाइंट गोरामी हैप्पीली रहता है एंड काफ़ी फास्ट ग्रो करता है। एंड इसका बेस्ट पार्ट है, इसको कुछ ज़रूरत नहीं है ऑक्सीजन फिल्टर, कुछ ज़रूरत नहीं है, गंदा पानी भी रह लेगा, एंड वेज नॉन वेज दोनों खाता है गाइस। ठीक है, एंड जाइंट गोरामी का भी केयर वीडियो शायद है मेरा चैनल पे, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा। एंड इसका भी टाइप्स है, रेड टेल जाइंट गोरामी है, एल्बिनो है, एल्बिनो का भी 2 वैरायटी है, रेड आइस, ब्लैक आइस, और एक सिल्वर जाइंट गोरामी है, ठीक है, इसको एलिफेंट ईयर बोलते हैं। तो सब सेम है, सब बड़ा होता है, ऐसा नहीं कुछ छोटा बड़ा, ऐसा कुछ सीन नहीं है इसमें। सो ये था गाइस आज का वीडियो, टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग मॉन्स्टर फिशेज जो आपको इजीली हर जगह मिल जाएगा। एंड इसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द आएगा, टॉप 10 रेयर वैरायटी।
चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए गाइस, 100K करना है एक साल में हम लोग का टारगेट है, तो चैनल को शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, पीस।